अभी हमारे सभी वक्ताओं ने कहा है, और ये मैं कहना चाहती हूँ कि मैं 1.5 साल पहले आपके यहाँ वोट मांगने गई और 1.5 साल बाद फिर आ गए। तो जब हमारे कांग्रेस की सरकार बनी और हम मंत्री बने, तो अब हमने कही अब हम बहुत सारे काम कराएंगे। 10 साल हमने आपके बीच में कहा है, सभी के बीच में, हम क्या करें हमारी सरकार ही नन्ना, हम क्या करें हमारी सरकार नन्ना, 10 साल क्या क्या क्या। अब जब हमारी सरकार बनी और कैबिनेट में हमें मंत्री बनाया, तो सबसे पहले हम अपनी बारकरी जिगनिया नहर और लदेरा डैम को प्रस्ताव ले गए मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी ने। जब उनने कहा कि इतने बड़े काम कहां से होंगे, खजाना तो खाली है, हमने कही ठीक है। और जब कैबिनेट की मीटिंग होती और प्रस्ताव आते फाइलन पे शाम होते, तो छिंदवाड़ा को यूनिवर्सिटी कॉलेज जेल सब छिंदवाड़ा को पैसा चला जाता था। जब हम उनसे पूछते मंत्री जी मुख्यमंत्री जी छिंदवाड़ा के लाने खजाना खाली नंदा का, और विधानसभाओं के लाने खजाना खाली है तो छिंदवाड़ा को भी होना चाहिए, अरे चलो चलो ऐसी बात मत करो। हम कहते ठीक है। तो जब इतनी सारी परिस्थितियां आ गई, हम महाराज में भी जाते, महाराज अब कैसे पिछोर में कॉलेज बनेगा, कैसे डबरा में अस्पताल बनेगा, और कैसे हमारी बारकरी जिगनिया नहर और लदेरा डैम जो सारे कैसे जो हमने बोले हैं वो काम कैसे होंगे। तो महाराज साहब कहते थे सिंधिया जी के तसल्ली रखो सब हो जाएंगे। आखिरी पे आके जब महाराज साहब टीकमगढ़ में सभा कर रहे थे, वहां बहुत अच्छी सभा थी, उनकी बगल में आके कुछ शिक्षक और किसान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे कि कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कमलनाथ जी मुर्दाबाद। महाराज साहब ने उठकर कही मुर्दाबाद मत करो, हम वचन पत्र में जो है हम पूरा कराएंगे, अगर नहीं होगा तो हम आपके साथ सड़क पे हम भी उतरेंगे। तब उनने कहा, तो फिर पत्रकारों ने कमलनाथ जी से पूछा कि सिंधिया जी तो तुम्हारे खिलाफ सड़क पे उतर रहे, तो उनने बड़े ऐंठ के कह रहे उतरने तो उतर जाए। अब हमने कही महाराज क्या देख रहे, उतर जा तो अच्छी बात है। तो अब हमें तो यही विश्वास था कि सरकार बनती है तो काम अच्छे होते हैं। जब मैं अपने मायके दतिया जाती थी तो रास्ता में कलेक्टरी देख लो, एसपी ऑफिस देख लो, मेडिकल कॉलेज देख लो, तो हम कहते थे मंत्रियों के ऐसे काम होते हैं। लेकिन जब हमारी सरकार बनी तो हमें कछु नहीं मिला, मिश्रा जी के इतने बड़े बड़े काम, तो हमने कही ये तो होता ही बेकार होगा। अब हमने कही अब तो सरकार बदलने पर है, मिश्रा जी के संगे ही जाने पर है, तभी हमें डबरा का विकास हो पाओ। तो आप कल हम कलेक्टर साहब में बैठे थे, कलेक्टर साहब कह रहे मैंने ऐसा काम इतने जल्दी होते हुए कभी नहीं देखा कि अस्पताल के लाने 6.5 करोड़ रुपए आ गए और स्टेडियम ग्रांट के लाने भी 2 करोड़ रुपए आ गए। मतलब इतने जल्दी जल्दी कैसे काम हो रहे। हमने कही ये सम्मानीय शिवराज सिंह जी और मिश्रा जी और मुख्यमंत्री जी की देन है कि इतने जल्दी जल्दी काम आ रहे। तो मैं चाहती हूँ आपके बीच में मैं भरोसा दिलाती हूँ कि सम्मानीय यहाँ मिश्रा जी उपस्थित हैं, हमारे भाजपा के कई पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, तो हम तो मिश्रा जी से यही कह रहे कि जैसे तुमने दतिया में बड़े बड़े काम करे, अब अपन दोनों ही मिलकर डबरा में भी कर ले तो मजा आ जाए। तो ये हमने मिश्रा जी से भी कही थी कि वो तो ये कह रहा है वो तो बिच गई, लेकिन वे पैसा कहाँ है। तो मिश्रा जी ने कहा कि नहीं, इसकी सफाई हम देंगे, मुख्यमंत्री देंगे। और मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि आज पूरी बगेल मेरे समाज सामने बैठी है। जब सियावर माता पे 2008 का चुनाव भाव तो जब हमने बगेल समाज से सियावर माता के स्थान पर कही थी कि मैं बगेल समाज को कभी पीठ नहीं दूंगी, और मैं आज भी काव की रिश्तेदारी हुई हमारे गांव में चरवरा में,
तो आप चले जाए, मैं आपके मोहल्ले में बीच मोहल्ले में रह के पली बड़ी पैदा भई भई हूँ बगैर समाज में। और मैंने अबे भैया कह रहे थे कि जिस सब है ना बगैर समाज, तो पूर्व मंत्री कह रहे थे राधे लाल जी के भेड़े चढ़ाते हैं। भैया आप ये काम नहीं रहे भेड़े भेड़े चढ़ा दे के, हमारे गोपाल भाई साहब तो लड़का देख लो दांतन के डॉक्टर है और कई सेक्रेटरी है, कई मास्टर है, बड़ी बड़ी नौकरियों पे है, कोई एसडीएम है, हम तो गिना लो हम बता देंगे। लेकिन अब के जमाने गए सब जातों के, अब सब पढ़े लिखे है, सब अच्छी अच्छी जगह पे है और सब ये जरूर है कि बहुत सज्जन समाज है। मैंने जहां तक मुझे खबर मिली होगी, मैंने आपकी समाज की मैं गिना नहीं पाऊंगी, लेकिन जहां चल के जहां लड़ाई लड़ी होगी और भैया जो भी हम पे गलती भाई हो धोखे में, तो भाई पूरी समाज माफ कर दे। वैसे मैं गलती करती नन्ना, लेकिन लोग बागन ने बड़ा चढ़ा के आप लोगों से कही है तो बिल्कुल झूठ बोला है। उसमें अगर बगैर समाज का नाम हो या धर्मेंद्र जी का नाम हो तो आप बता दे मुझे, मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगी। मैंने ये जरूर कही थी कि अगर मुन्ना लाल गोयल को जैसे कहो उन्हें मारो और कैसे हमें मारेगा को, तो हम तो नहीं छोड़ेंगे। पर और दूसरी बात कही होगी, लेकिन कही है, लेकिन ये नहीं कही कि बगैर समाज या धर्म, ये कही जो भी मुझे मेरे साथ अत्याचार करेगा मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तो ये बात तो कोई भी कह देगा, तो अगर ये बात कहने में भी गलती भई हो तो मैं आप सबसे पूरे बगैर समाज से माफी मांगती हूँ। और रही बगिया की बात, तो जब बगैर समाज के बगिया में अब तो अपने गृह मंत्री जी आ गए, अब तो कछु हो गई नहीं, तो जब वहाँ एसपी वगैरह वहां में फीता डालन लगे कि यहाँ थाना बनेगा, क्वार्टर बनेंगे, ये बनेगा, हमने कलेक्टर साहब और एसपी साहब को बुला, हमने कही सुनो वो बगिया बगैर समाज की नन्या भाई इमरती देवी की है, फीता डालो मत देना। लेकिन माननीय मंत्री जी अभी तक तो वो बगिया बची रही, अब भाई बगैर समाज के नाम करके और जे उन्हें दे दे तो ठीक रहेगा, उसमें थानो वानो नहीं बनना चाहिए, वो मुख्य जगह इनके लिए है, क्षेत्र के पूरे बगैर समाज के लिए। सरपंच को पैसा दे के हमने वहां में आरसीसी भी कराई है, वहाँ इनका एक भवन भी बना है, तो हम तो चाहते हैं कि पूरी बगिया बगैर समाज को मिल जाए, वहां में पुलिस पुलिस को कब्जा ना हो। और मैं फिर आपसे वादा करती हूँ पूरे मंच के सामने कि हर वक्त जो भी दुख सुख में अगर इमरती देवी की जरूरत पड़ेगी तो मैं बगैर समाज के साथ खड़ी रहूंगी, पूरे चाहे आधी रात होगी जब बुलाओगे, चाहे दिन होगा जब बुलाओगे, मैं आपके बीच में आपकी समाज की मंत्री बन के रहूंगी। और आप ये देखते रहना मैं कभी ना झूठ बोलती हूँ और ना झूठ बोलूंगी, मैं आपकी हूँ और आपकी रहूंगी। धन्यवाद जी। साथियों, आपके बीच में हमारे इस डबरा विधानसभा के प्रत्याशी पूर्व मंत्री मित्र जी